31वां प्रश्न है, एफएक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ये देखना है कि ये फलन सतत है या नहीं है। इसके लिए हमें देखना है कि ये कॉस फलन है, इसका जो आर्गुमेंट है वो खुद एक फलन है, बहुपद फलन। बहुपद फलन एक सतत फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन एक सतत फलन होता है, और ये पूरा फलन जो है एक संयुक्त फलन है, एक सतत फलन था, संयुक्त सतत फलन है। तो हम यहाँ करेंगे, माना एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स मान लेते हैं, और दूसरा फलन लेते हैं जी एक्स, जो सिर्फ आर्गुमेंट का होगा। त्रिकोण मितीय फलन है जो कि एक सतत फलन होगा, ऐसे ही जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है। जो कि एक सतत फलन होगा। अब हम देखते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो f और g x देखते हैं ये संयुक्त फलन है या नहीं। f और g x का मान रखते हैं x स्क्वायर, और f x स्क्वायर निकालते हैं, तो एफ एक्स एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाता है। मतलब ये हमारा संयुक्त फलन है। तो यहां पर लिखेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स एक सतत फलन का सतत संयुक्त फलन है। जो कि एक सतत फलन होगा। इस प्रकार हमारा ये एक सतत फलन होगा।